विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये पंक्तियां हर भारतीय की रग-रग में देश प्रेम जगा देने वाली है। और देश प्रेम से जुड़ा एक इतिहास हम आपको बता रहे हैं जो 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस से जुड़ा है। क्या आपको पता है कि गणतंत्र दिवस से पहले 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। दरअसल ये वो तारीख और वो साल था जब भारत में गणतंत्र दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। और ये महज एक तारीख नहीं बल्कि हमारा राष्ट्रीय पर्व है, हमारा गौरव है। हमें आज़ादी भले ही 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारा देश पूर्ण गणराज्य बना था। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 में पूरी तरह तैयार हो चुका था, लेकिन 2 महीने के इंतजार के बाद इसे लागू किया गया। इससे पहले तक देश में भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू था। और जो रोचक बात हम आपको बताने वाले हैं वो ये कि 1947 से पहले 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। दरअसल साल 1930 में 26 जनवरी को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पूर्ण स्वराज का ऐलान किया था। इसके बाद साल 1930 से 15 अगस्त 1947 तक पूर्ण स्वराज दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को ही मनाया जाता था। गणतंत्र राष्ट्र के बारे में 31 दिसंबर 1929 को रात में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र में गंभीरता से विचार किया गया था। एक बैठक हुई थी और इस बैठक का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसी बैठक में पहले 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की शपथ ली गई। फिर हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल से 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अस्तित्व में आया तब भारत को अपनी असली ताकत का एहसास हुआ। देश का संविधान 2 साल 11 महीने और 17 दिन में तैयार हुआ था। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि सही मायने में भारत को आजादी 26 जनवरी को ही मिली थी। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी को देश भर में गणतंत्र दिवस मनाने की घोषणा की और तब से आज तक हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही YouTube पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे WhatsApp नंबर 7000002414 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।